तो हम लोग डिस्कस करेंगे, हमने बात करे थे लास्ट क्लास में किंगडम प्रोटिस्टा की, और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने आपको चार ग्रुप पढ़ाए थे, पांच ग्रुप पढ़ाए थे। कौन कौन से? पहला था डाइनोफ्लैजलेट, क्राइशोफाइट्स, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ, ये पांच ग्रुप पढ़ाए थे। तो पहले ग्रुप का नाम था डाइनोफ्लैजलेट। अब आप देखेंगे डाइनोफ्लैजलेट के बारे में पढ़ते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पहला ग्रुप है डाइनोफ्लैजलेट। इसमें पहला वर्ड देखते हैं डाई, डी आई, डाई का मतलब होता है टू, और फ्लैजलेट मतलब होता है फ्लैजला। मतलब डाइनोफ्लैजलेट के शरीर में कितने फ्लैजला पाए जाते हैं? तो डाइनोफ्लैजलेट के शरीर में दो फ्लैजला होते हैं, इसलिए इसको डाइनोफ्लैजलेट कहते हैं, टू फ्लैजला पाए जाते हैं। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, डाइनोफ्लैजलेट में दो फ्लैजला कहां होते हैं? एक फ्लैजला होता है लॉन्गिट्यूडिनल पोजिशन पे, ऊपर से नीचे, दूसरा होता है ट्रांसवर्स पोजिशन पर। एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स, दो अलग अलग पोजीशन पर फ्लैजला होते हैं। दो फ्लैजला होंगे, दोनों एक साथ नहीं होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा और एक ट्रांसवर्स होगा। इस तरह डाइनोफ्लैजलेट में दो फ्लैजला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। इसी वजह से डाइनोफ्लैजलेट लोकोमोशन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर पाएगा, फ्लैजला की मदद से दाएं से बाएं भी जा सकता है और ऊपर से नीचे भी जा सकता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों राइट साइड में मूव कर सकता है डाइनोफ्लैजलेट। क्यों? क्योंकि इसमें दो फ्लैजला होते हैं, एक उसको ट्रांसवर्स पोजीशन पर होता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर होता है। अगली बात, डाइनोफ्लैजलेट कहां पर देखने मिलेंगे? डाइनोफ्लैजलेट आपको मैराइन वाटर में देखने मिलेंगे, समुद्र के पानी में, मैराइन वाटर में, समुद्र के पानी में। नॉर्मल वाटर में डाइनोफ्लैजलेट नहीं पाए जाते, नदी तालाब में नहीं मिलते। जनरली कहां देखने मिलेंगे आपको? अगर डाइनोफ्लैजलेट से मिलने की इच्छा है तो आपको कहां जाना होगा? समुद्र में, सी वाटर में, मैराइन वाटर में। ठीक है, क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ऑटोट्रॉफ में, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा वैसे ऑटोट्रॉपिक है ही, मैक्सिमम इसके मेंबर ऑटोट्रॉपिक हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये भी डाइनोफ्लैजलेट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। किस कलर का दिखता है? तो डाइनोफ्लैजलेट कलरफुल होते हैं, अलग अलग रंग के देखने मिल सकते हैं, जैसे कि ये येलो कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, आपके बहुत सारे कलर के देखने को मिलता है। इसका डिफरेंट कलर किस वजह से होता है? इसमें पाए जाने वाले पिगमेंट की वजह से, जो पिगमेंट पाया जाएगा उस हिसाब से इसका कलर होगा। इसमें डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स हो सकते हैं और पिगमेंट के बेसिस पर इसका कलर अलग अलग हो सकता है। डाइनोफ्लैजलेट, कुछ डाइनोफ्लैजलेट येलो दिखते हैं, कुछ ग्रीन दिखते हैं, कुछ रेड दिखते हैं, कुछ ब्राउन दिखते हैं, कुछ ब्लू दिखते हैं, कलरफुल है। अच्छा, कहां पर मिलेगा? समुद्र में भी जाएंगे तो समुद्र की तली में मिलेगा या समुद्र की सरफेस में मिलेगा? सी की मैराइन वाटर कहां मिलेगा? सी के सरफेस में मिलेगा। सरफेस में कैसे? तैरता हुआ, और तैरने के लिए इसके पास क्या है? स्विमिंग करने के लिए पानी में फ्लैजला है, फ्लैजला की मदद से पानी में स्विम करता हुआ सबसे ऊपर में देखने को मिलेगा सी सरफेस में। और किस रंग का दिखेगा? कलरफुल दिखेगा। फोटोसिंथेसिस कर सकता है? हाँ कर सकता है। कितने फ्लैजला होंगे? दो फ्लैजला होंगे। कहां कहां होंगे? एक ट्रांसवर्स पोजिशन पर, एक लॉन्गिट्यूडनल पोजिशन पर। एक लॉन्गिट्यूडनल पोजिशन पर और एक ट्रांसवर्स पोजिशन पर होंगे, दो इसमें फ्लैजला होंगे। फिर अगली बात करते हैं कि ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है या डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। तो जान लीजिए इसके पास सिर्फ यन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एक ही यन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए इसको हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहा गया है। हैप्लॉइड कहा गया। डाइनोफ्लैजलेट कैसे हैं? डाइनोफ्लैजलेट हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इसके पास ओनली यन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में आता है। ठीक है, यन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड डाइनोफ्लैजलेट, इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब हमारे कल की क्लास याद करो, अगर किसी ने लास्ट क्लास से ध्यान से देखी होगी तो उसको याद होगा कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कौन सा लाइफ साइकिल चलेगा, हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगा। अब देखें हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करें, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कौन सी मियोसिस होगी? कल की क्लास याद है अगर तो बताइए जल्दी से। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमेट बनते समय मियोसिस होती है, जाइगोट में होती है। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जाइगोट में मियोसिस होती है, इसलिए इसको जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। ये सब हमने कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट क्लास में।
सो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज में जाइगोटिक मियोसिस होती है और हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल होती है। तो डायनो फ्लैजलेट्स हैप्लॉइड है, तो डायनो फ्लैजलेट का लाइफ साइकिल कौन सा लाइफ साइकिल कहलाएगा? हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल कहलाएगा। डायनो फ्लैजलेट्स का में कौन सी मियोसिस होगी? जाइगोटिक मियोसिस होगी, जाइगोट के में मियोसिस होगी, इसलिए इसको जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। इतना समझ में आया बात? अब हम बात करें कि डायनो फ्लैजलेट्स प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं। तो याद रखिए, ना तो ये प्रोकैरियोट्स हैं ना ही ये यूकैरियोट्स हैं, दोनों के बीच के हैं, ना ही प्रोकैरियोट है ना ही ये यूकैरियोट है, पूरी तरह से ये मीजोकैरियोट है, दोनों के बीच का। तो प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और मीजोकैरियोट में डिफरेंस कहां आते हैं? आपको तीन तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वैसे तो दो ही होते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, लेकिन तीन मेजर पार्ट में ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है, प्रोकैरियोट, मीजोकैरियोट और यूकैरियोट। ये तीन तरह की सेल बांटी गई हैं। वैसे तो मेजरली दो ही होती हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, बट कभी कभी इसे अगर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो तीन तरह की सेल दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और मीजोकैरियोट। किस बेसिस पर बांटा गया है? बेसिस देखा जाए तो बेसिस देखते हैं। पहला आपका देखा जाएगा कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती कि नहीं पाई जाती, पहला बेसिस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या अब्सेंट है? तो प्रोकैरियोट में याद रखिएगा अब्सेंट होती है, और मीजोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, यूकैरियोट में भी पाई जाती है, पहला चीज। दूसरा करेक्टर, न्यूक्लियोलस को देखा जाएगा, न्यूक्लियोलस को देखा जाएगा, न्यूक्लियोलस है कि नहीं है? तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोलस नहीं होता, मीजोकैरियोट में न्यूक्लियोलस होता है, यूकैरियोट में होता है। चलो अच्छी बात है। तीसरा चीज देखा जाएगा क्रोमैटिन, क्रोमैटिन देखा जाएगा, क्रोमैटिन है कि नहीं है? तो क्रोमैटिन तो आपके तीनों में होता है, लेकिन याद रखिएगा ट्रू क्रोमैटिन की बात करें, ट्रू क्रोमैटिन अगर हम ट्रू क्रोमैटिन की बात करें तो इसके पास भी ट्रू क्रोमैटिन नहीं होते, इसके पास भी ट्रू क्रोमैटिन नहीं होते, सिर्फ यूकैरियोट में ट्रू क्रोमैटिन होते हैं। मतलब इसके ऊपर के दो करेक्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस तो मैच कर रहा है यूकैरियोट से, लेकिन इसके पास क्रोमैटिन, ट्रू क्रोमैटिन नहीं होते, और इस वजह से इसको ना तो यूकैरियोट में पूरी तरह रख सकते हो ना प्रोकैरियोट में रख सकते हो, बीचों बीच में रखते हैं, और इस तरह ऑर्गेनिज्म को मीजोकैरियोट कहते हैं। अच्छा, ट्रू क्रोमैटिन क्यों नहीं है, क्या चीज कम है? हिस्टोन नाम का प्रोटीन कम है। कौन सा प्रोटीन कम होता है? हिस्टोन प्रोटीन। ये एक स्पेशल प्रोटीन है, और ये हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता, मीजोकैरियोट में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में पाया जाता है। तो याद रखिएगा किस बेसिस पर ये यूकैरियोट से डिफरेंट है, सभी बेसिस पर सेम है, सिर्फ एक चीज अलग है इसमें यूकैरियोट से, क्या? इसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, और हिस्टोन प्रोटीन ना पाए जाने की वजह से इसका क्रोमैटिन फॉल्स क्रोमैटिन कहलाता है, ट्रू क्रोमैटिन नहीं कहलाता, और इसलिए ये पूरी तरह से यूकैरियोट भी नहीं है और पूरी तरह से प्रोकैरियोट भी नहीं है, बीचों बीच का एग्जांपल है, इसको मीजोकैरियोट्स कहेंगे। डायनोफ्लैजेलेट कौन से हैं? डायनोफ्लैजेलेट मीजोकैरियोट है, याद रखिएगा, ना ही प्रोकैरियोट है ना यूकैरियोट है, लेकिन मैक्सिमम करेक्टर यूकैरियोट से मैच करता है, सेल ऑर्गेनल्स वगैरह सब कुछ होते हैं, सब कुछ यूकैरियोट जैसा होता है, और मैक्सिमम करेक्टर यूकैरियोट जैसा मैच करता है, इसलिए इसको मेजर साइंटिस्ट आपको यूकैरियोट कह सकते हैं। हम आपको पढ़ाए थे किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होते हैं, आपको पहले बताए थे, ठीक है? तो अगर आपको अलग से कैटेगरी मीजोकैरियोट होगी तो मीजोकैरियोट चुनना है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन हो, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, तब आपको यूकैरियोट में इसको कंसिडर करना है, ठीक है? सिर्फ यूकैरियोट से सिर्फ एक मामले में डिफरेंट है, हिस्टोन प्रोटीन ना पाए जाने में, ठीक है? तो यह बात की है, हमने क्या जाना कि डायनोफ्लैजेलेट जो है वो मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मीजोकैरियोट का एग्जांपल है, ठीक है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का है, इसलिए इसको मीजोकैरियोट कहते हैं। फिर हमने अगली बात जानी कि डायनोफ्लैजेलेट अपने बच्चे बहुत जल्दी पैदा करते हैं समुंदर में, बहुत जल्दी बच्चे पैदा करते हैं, और उन्हीं में से एक डायनोफ्लैजेलेट का नाम है गोनाइलेक्स, GONYAULAX। गोनाइलेक्स की बात करें, गोनाइलेक्स क्या है? एक डायनोफ्लैजेलेट का एग्जांपल है, डायनोफ्लैजेलेट ग्रुप का नाम है, उसमें से एक एग्जांपल है गोनाइलेक्स।
गोनाइलेक्स किस रंग का दिखता है? तो गोनाइलेक्स देखेंगे तो आपका रेड रंग कलर का दिखता है। किस रंग का दिखता है? रेड कलर का होता है। अब गोनाइलेक्स जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, डाइनोफ्लैजेट जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करते हैं, और जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करते हैं कहाँ रहता है? ये समुद्र में होता है। कहाँ होता है? ये समुद्र में होता है। और जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करेगा, बढ़ता हुआ दिखेगा, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, टाइड। टाइड जानते हो आप? TIDE, टाइड। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे टाइड जान लें, हिंदी वाले बच्चे ज्वार भाटा जान लें। समुद्र में आता है हर 15 दिनों में, ठीक है? पानी ऊपर नीचे होता है, उसको ज्वार भाटा कहते हैं, टाइड कहते हैं। तो गोनाइलेक्स क्या है? जब समुद्र में बहुत ज्यादा हो जाता है और लाल लाल रंग का होता है, और समुद्र में ज्यादा हो जाता है, लगता है समुद्र का पानी ऊपर बढ़ रहा है, और इसको रेड टाइड के नाम से भी जानते हैं। तो रेड टाइड क्या होता है, कोई पूछे आपसे, तो रेड टाइड कुछ नहीं है, एक्सेस ग्रोथ ऑफ गोनाइलेक्स है, या एक्सेस ग्रोथ ऑफ डाइनोफ्लैजेलेट है। डाइनोफ्लैजेलेट की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर देता है समुद्र में, तो उसी घटना को रेड टाइड के नाम से जानते हैं। गोनाइलेक्स या फिर डाइनोफ्लैजेलेट, जो याद रखो, गोनाइलेक्स या डाइनोफ्लैजेलेट के ज्यादा जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करने की वजह से समुन्द्र में लाल लाल दिखता है बढ़ता हुआ, और उसे हम रेड टाइड कहते हैं। लाल रंग का होता है इसलिए रेड कहते हैं, और टाइड ऊपर की ओर बढ़ता है इसलिए टाइड कहते हैं, रेड टाइड के नाम से जानते हैं। तो आपसे कोई पूछे रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है गोनाइलेक्स या डाइनोफ्लैजेलेट। और आगे चलते हैं, तो इसको समुंदर का भूत भी कहते हैं, याद रखिए, डाइनोफ्लैजेलेट को समुंदर का भूत भी कहते हैं। भूत का काम क्या होता है? भूत में जानते हो, सुने हो कभी भूत नाम? भूत का काम क्या होता है? डराना, लोगों को डराना। तो डाइनोफ्लैजेलेट लोगों को डराता है, इसलिए इसको समुंदर का भूत भी कहते हैं। सी घोष्ट के नाम से जानते हैं, घोष्ट मतलब होता है भूत, समुंदर का भूत, ठीक है? समुंदर में रहता है, लोगों को डरा देता है, लोग डर जाते हैं, और इसीलिए समुंदर का भूत कहते हैं। अब बताओ भैया, भूत है ये, कैसे डराता होगा लोगों को? ऐसे लंबी लंबी सींग निकली होंगी? नहीं, डरते कैसे हैं लोग इससे? सोचो तुम समुंदर में गए, ठंड का मौसम है, लोग अंदर घर से बाहर निकलते नहीं, नहाते नहीं 2-3 दिन तक। तुम लोग भी कैसे करते होगे ठंड में? देखो 2-3 दिन नहाते नहीं बहुत सारे बच्चे। तुम नहाते हो? बहुत सारे बच्चे नहीं नहाते, ठीक है? समुंदर में इतनी ठंड होती है, सब उसमें आपके ठंड के मौसम में इतनी ठंड होती है, और उस मौसम में अगर कोई रात को समुंदर में बहुत सारे लोग दिखाई दें आपको, समुंदर में लोग रजाई से बाहर नहीं निकलते, उस समय समुंदर में बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे, तो आप क्या सोचोगे रात को, आधी रात को समुंदर में वो लोग क्या कर रहे थे सारे लोग? समझना, डर जाते हैं लोग। क्यों? गोनाइलेक्स जो है ये, या फिर डाइनोफ्लैजेट बोले, तो रात को ऐसा दिखता है जैसे कोई टॉर्च, दूर से टॉर्च मारता हुआ दिखता है ना समुंदर में, कोई टॉर्च मारो चमकता हुआ दिखता है, चमकदार होता है, और दूर से चमकता हुआ दिखता है जैसे कोई टॉर्च दिखा रहा हो, ऐसा अगर समुंदर के बीच में वहां पे कोई है, दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि कोई है वहां पे, टॉर्च दिखा रहा, लाइट जल रही वहां पर, समुंदर में लाइट जलती है। क्योंकि याद रखिए डाइनोफ्लैजेलेट में क्या होता है, बायोल्यूमिनेंस नाम की घटना होती है, बायोल्यूमिनेंस, ठीक है, नाम की घटना। तो बायोल्यूमिनेंस क्या होता है? तो बायोल्यूमिनेंस की बात करें हम, तो बायोल्यूमिनेंस का मतलब होता है चमकना, कोई चमकती हो, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चमकता हो, तो इस घटना को बायोल्यूमिनेंस कहते हैं। जैसे जुगनू, जुगनू का नाम सुने होंगे आप लोग, जुगनू जो है वो आपका रात को चमकता है, जुगनू जो होता है वो आपका रात को चमकता है। तो आपको पता है जुगनू रात को चमकता क्यों है? देखा होगा, देखा है आपने रात को जुगनू को चमकते हुए? कीड़ा होता है जुगनू, हवा में उड़ता रहता है चमकता हुआ, तो क्यों चमकता है रात को? बायोल्यूमिनेंस की वजह से। बायोल्यूमिनेंस का मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब चमकता है उसको बायोल्यूमिनेंस कहते हैं, और बायोल्यूमिनेंस क्यों होगा? उसके साइटोप्लाज्म में कोई फोटोजेनिक रिएक्शन हो रही होगी। कौन सी रिएक्शन? फोटो मतलब लाइट, जेनिक मतलब जनरेट, जेनिक फोटोजेनिक रिएक्शन चल रही होगी उसकी साइटोप्लाज्म में। जब किसी ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में फोटोजेनिक रिएक्शन चलती है, फोटो जनरेट होती है, लाइट जनरेट होने वाली रिएक्शन चलती है, तो उसके शरीर से लाइट निकलती है और उसकी वजह से चमकता हुआ दिखता है। जुगनू को आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है। वैसे जैसे जुगनू चमकता है रात को, वैसे ही आपका डाइनोफ्लैजेलेट चमकता हुआ दिखता है, और दूर से देखने पे लगता है कि कोई है समुंदर के बीच में, कोई चमकदार चीज है, कुछ चमक रहा है समुंदर के बीच में, और लोग डर जाते हैं, भूत 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 चिल्ला देते हैं, इसलिए समुंदर का भूत कह दिया गया इसको।
लोग समुद्र का भूत बोले लगते हैं। क्यों? रात को समुद्र में चमकता हुआ दिखता है। कभी समुद्र जाना, समुद्र के किनारे खड़े होकर देखना, रात को अंधेरा अगर रहेगा, अच्छा खासा अंधेरा रहे, चारों तरफ अंधेरा रहे, लाइट वाइट ना चल रही हो, समुद्र किनारे खड़े हो जाना, आपको कुछ चमकता हुआ कुछ दिखेगा समुद्र में दूर में। और जो चमकता हुआ दिखेगा तो आप समझ जाना कुछ और नहीं है, वो डायनो फ्लैशलाइट ही है। आपको एक मूवी याद है, एक मूवी में, मूवी याद है किसी को, जिस मूवी में डांस करते हुए वो हीरोइन जाती है, और एक क्या था नाम, एक विलन शायद मूवी का नाम है, उस मूवी में डांस करते हुए जाती है और ऐसे पानी गिराती है, उसमें मोती ऐसे चमकता हुआ पानी दिखता है, ठीक है। मूवी का नाम हमको याद नहीं है, आप लोग देख लेना कौन सी मूवी में था, ठीक है। डांस करते हुए हीरोइन जाती है समुन्द्र के पास, पानी के पास, और समुन्द्र का पानी उठाती है, पानी ऐसे चमकता हुआ दिखता है, वो कुछ और नहीं था। क्यों चमक रहा था पानी? क्योंकि वहां पर डायनो फ्लैशलाइट था, डायनो फ्लैशलाइट पानी में चमकता था, एक विलन मूवी थी, डायनो फ्लैशलाइट पानी में चमकते हैं, समुद्र में रहते हैं। क्यों चमकते हैं? बायोल्यूमिनेंस नाम की घटना होती है। बायोल्यूमिनेंस क्यों होता है? फोटोजेनिक रिएक्शन होती है उसके साइटोप्लाज्म में, इस वजह से होता है। और चमकने की वजह से लोग इसको समुद्र का भूत कहते हैं, सी घोस्ट के नाम से जानते हैं, समुद्र का भूत चमकता हुआ दिखता है। अच्छा बताओ, दिन में चमकता है कि रात को चमकेगा? तारे कब चमकते हैं, दिन में या रात में? जुगनू कब चमकता है, दिन में या रात में? डायनो फ्लैशलाइट कम चमकेगा, दिन में या रात में? जो रात बोल रहे हैं उनका आंसर गलत है। याद रखना, जुगनू हो चाहे तारे हो चाहे डायनो फ्लैशलाइट हो, जुगनू हो चाहे स्टार हो और चाहे आपकी डायनो फ्लैशलाइट हो, 24/7 चमकते रहते हैं, हर समय चमकते रहते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, हर समय चमकते रहते हैं। जिस भी सन की लाइट इतनी तेज होती है कि उनकी चमक दिखती नहीं है, और अंधेरे में रात में उनकी चमक दिखती है, चाहे स्टार की चमक हो, चाहे जुगनू की चमक हो, या किसी और की चमक हो, सनलाइट की वजह से हम दिन में देख नहीं पाते हैं अच्छे से क्लियरली, लेकिन चमकते 24/7 है हर समय, ये नहीं कि रात देख के वो चमकते हैं। तो याद रखना, डायनो फ्लैशलाइट कब बायोल्यूमिनेंस करता है? 24 आवर हर समय, लेकिन दिखता कब है, विजुलाइज कब होता है? नाइट के समय, इसलिए नाइट के समय दिखाई देता है, इसलिए इसको नाइट लाइट के नाम से भी जानते हैं, नाइट लाइट, रात की रोशनी, नाइट लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके दो नाम मालूम चल गए आपको, नाइट लाइट और सी घोस्ट। किस रंग का चमकता है? तो कई कलर के समझ सकता है, येलो रंग का भी चमकता है ज्यादातर। अब येलो इस रंग का चमकता है दूर से देखने में, तो लगता है दूर से देखने में समुन्द्र में आग लग गई है, समुद्र में आग लग गई, ऐसा महसूस होता, चमकता हुआ दिखता दूर से, तो इसीलिए इसको आपको सी फायर के नाम से भी जानते हैं, या इसको फायर एल्गी के नाम से भी जानते हैं, फायर एल्गी के नाम से भी इसे जानते हैं। याद रखिएगा, तो फायर एल्गी क्यों कहते हैं? चमकता हुआ दिखता समुद्र में, चमकता हुआ दिखता समुद्र में, आग लग गई। कितने सारे नाम होगा इसके चमकने की वजह से, कौन कौन सा नाम? सी घोष, समुद्र का भूत, नाइट लाइट, रात की रोशनी, फायर एल्गी, जलने वाला एल्गी, फायर मतलब होता है जलना, जलता हुआ एल्गी। इतने सारे इसके निक नेम है। किसके? डायनो फ्लैशलाइट के। कई कलर का होता है, और इसकी वजह से रेड टाइड भी होता है। रेड टाइड मतलब, अगर बहुत जल्दी बच्चे पता करें तो इसे रेड टाइड कहते हैं। एग्जाम्पल गोनाइलेक्स पढ़ाए हम आपको। फिर हम बात करते हैं कि आपका ये जो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, इसके ज्यादा बच्चा पैदा करने की वजह से क्या होगा? समुद्र में बहुत सारे ये हो जाएंगे, डायनो फ्लैशलाइट हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। तो अच्छा है या खराब है? खराब है। याद रखना, अगर पानी में ये डायनो फ्लैशलाइट बहुत ज्यादा हो जाए तो पानी के लिए खराब है। क्यों? क्योंकि इनके शरीर से जब बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिक्रीट करते हैं एक टॉक्सिक मटेरियल, जहरीला पदार्थ, अपने बॉडी से एक टॉक्सिक रिलीज करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और उस टॉक्सिन का नाम होता है सेक्सीटॉक्सिन नाम का, सेक्सीटॉक्सिन नाम का जहरीला पदार्थ, जहरीला पदार्थ का नाम है सेक्सीटॉक्सिन। तो सेक्सीटॉक्सिन नाम का जहरीला पदार्थ अपने बॉडी से छोड़ते हैं। कहां छोड़ेंगे? पानी में, मतलब पानी में छोड़ेंगे। तो पानी में एक जहरीला पदार्थ छोड़ देते हैं, ये बहुत सारे अगर हो गए, गिनती बढ़ गई, तो पानी में एक जहरीला पदार्थ छोड़ते हैं, उस जहरीले पदार्थ का नाम है, उस टॉक्सिक मटेरियल का नाम है सेक्सीटॉक्सिन।
और इस सेक्सी टॉक्सिन की हम बात करें, ये सेक्सी टॉक्सिन की वजह से पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल जो हैं, पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल जो हैं, उनका क्या होगा? एक्वेटिक एनिमल्स मर जाएंगे, डाई मर जाएंगे इस जहर की वजह से। पानी में रहने वाली मछली हो गए, जीव जंतु हो गए, जो भी पानी में रहते हैं एनिमल्स, तो एक्वेटिक एनिमल मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि पानी में एक जहर छोड़ देते हैं, ये उस जहर का नाम है सेक्सी टॉक्सिन। सेक्सी टॉक्सिन नाम के जहर की वजह से पानी में रहने वाले जीव जंतु मर जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं। इसलिए डायनोफ्लैजेट बहुत ज्यादा के बढ़ जाए समुद्र में, तो अच्छा है खराब है? खराब है, ठीक है, खराब है। अगर मान लो हमको कोई फायदा है, नुकसान ही से जहर से कोई दिक्कत है, हम तो जाहिर जहर पियेंगे नहीं, समुद्र का पानी हम पीते नहीं है, इसलिए जहर हमारे शरीर में तो जाएगा नहीं डायरेक्ट। लेकिन ये जहर हमारे शरीर में ह्यूमन तक पहुंच जाता है, थ्रू ह्यूमन तक पहुंचता है थ्रू फूड चैन। फूड चैन से हमारे शरीर तक पहुंच जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी तो हम पीते नहीं है, डायरेक्ट हमारे शरीर में जाएगा नहीं, लेकिन फूड चैन से होते हुए हमारे पास पहुंच जाएगा। कैसे? सोचो, इसने सेक्सी टॉक्सिन नाम का, डायनोफ्लाजेन ने सेक्सी टॉक्सिन नाम का जहर कहाँ छोड़ दिया? इसने रिलीज कर दिया वाटर में, पानी में। वाटर में कौन रह रही थी? मछली थी, फिश थी, मान लो एक केकड़े थे, कोई भी थे। फिश ने जहर पी लिया, पानी पिया, और फिश के थ्रू उसके शरीर में चला गया, तो फिश मर जाएगी कि नहीं मर जाएगी? मर जाएगी। फिश शरीर में जहर है कि नहीं है? चला गया जहर, सेक्सी टॉक्सिन नाम का जहर फिश के, मछली के शरीर में चला गया। अब कोई मछुआरा गया और उस मछली को पकड़ कर ले आया, मरी हुई मछली को, या इस मछली को जिसको जहर से मरी थी, और इस मछली को लाके बाजार में बेच दिया, और उसको आपने ह्यूमन ने खा लिया, इस मछली को ह्यूमन ने खा लिया, और जैसे खाओगे मछली खाओगे, तो मछली के शरीर में जहर था, तो आपके शरीर में जहर चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। तो क्या होगा? ये सेक्सी टॉक्सिन नाम का जहर फूड चैन से होते हुए, खाने के थ्रू होते हुए, हमारे ह्यूमन के शरीर तक जा सकता है, और ये आपके शरीर में जाएगा तो आपको मारेगा नहीं। इतना बड़ा बॉडी है, इत्तू से जहर से आप मरेंगे नहीं। मछली तो मर गई थी, इतना सा जहर मछली को मारने के लिए काफी था, लेकिन इंसान को मारने के लिए इतना सा जहर काफी नहीं होता। जल्दी से, इतने कम जहर से आप नहीं मरोगे, लेकिन आपके शरीर में पैरालाइसिस नाम की एक घटना हो जाएगी। ह्यूमन को क्या हो जाएगा? ह्यूमन को पैरालाइसिस हो जाएगा। पैरालाइसिस मतलब लकवा मार देगा, हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, पैरालाइसिस हो जाएगा। किस जहर की वजह से? सेक्सी टॉक्सिन की वजह से। सेक्सी टॉक्सिन ह्यूमन तक कैसे पहुंचेगा? फूड चैन के थ्रू, खाने के थ्रू। और इससे ह्यूमन को क्या नुकसान होगा? पैरालाइसिस नाम की घटना हो सकती है ह्यूमन को। इस तरह आपने समझा कि डायनोफ्लैजेलेट क्या होते हैं, समुद्र का भूत, नाइट लाइट, इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं। ठीक है, थैंक यू।